महात्मा गांधी जी ने कहा था अब कांग्रेस भंग कर दो, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बात नहीं मानी। लेकिन राहुल बाबा ने कसम खाई है कि गांधी जी के सपने को वो पूरा करके दिखाएंगे, कांग्रेस खत्म करके ही चलेंगे। ये राहुल और केजरी, राहु और केतु, और ये अगर उत्तराखंड में आ गया तो ये मानना कि विकास को ग्रहण लग जाएगा, जो मुरली देवी कह रही थी। ये ग्रहण लगा नहीं आए। बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, लेकिन कांग्रेस के चार धाम आपको पता है क्या? एक धाम श्रीमती सोनिया गांधी, दूसरा धाम बाबा राहुल गांधी, तीसरा धाम अरे जोर से बोलो ना, तीसरा धाम प्रियंका गांधी, और चौथा धाम रॉबर्ट वडेरा। ये चार धाम है उनके, उन्हीं के पास जोड़ते ये हरीश रावत जब मुख्यमंत्री कभी हुआ करते थे तो इन्हीं धामों के गुण गाते थे। और खरपूज तो है ही, सूझ बलब भी है, कंफ्यूज भी और सूझ भी है, ट्यूबलाइट सूझ हो जाती है। उत्तराखंड आए तुम जनरल बिपिन रावत जी का ही नाम भूल गए। अब बताओ ऐसा कोई नेता होता है? आजकल कहते हैं दो भारत बना दिए मोदी ने, दो भारत। अरे भारत को दो किया था तो कांग्रेस ने किया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांट दिया था। आज किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि भारत माता की तरफ आंख उठा के भी देख। तो भारत कांग्रेस बना, एक हिस्सा पाकिस्तान में चला। और जब पंडित नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे तब चीन ने हम पे हमला करके भारत का एक हिस्सा छीन लिया था, तब कांग्रेस की सरकार थी। और अब अगर गलवान में चीन के सैनिकों ने भारत की धरती पर घुसने का प्रयास किया तो चीनी सैनिकों की गर्दन तोड़ तोड़ के वापिस चीन की सीमाओं में फेंक दी। इसलिए इनको वोट देने का कोई फायदा नहीं है। आज लोहाघाट मामा आया है और ये कहने आया है कि आप तय करिए, आपको परिवारवाद चाहिए कि आपको विकासवाद चाहिए। परिवारवाद तो कांग्रेस में एक तरफ नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद सोनिया जी के बाद राहुल जी, प्रियंका जी, उनके हाथ तो इन जी की फौज है। राहुल जी, प्रियंका जी, जीजा जी, रावत वडेरा, और यहाँ हरीश रावत भी लड़ रहे हैं। सुना उनकी बेटी भी लड़ रही है, उनका बेटा भी पदाधिकारी है। यह अकेली भारतीय जनता पार्टी है, जब परिवारवाद नहीं चलता जो अच्छा कार्य करता है केवल उसी को स्थान दिया जाता है। झूठे वादे करने वाले लोग, चाहे वो केजरीवाल हो, राम मंदिर का पहले विरोध करते थे, अब राहुल बाबा से लेके केजरीवाल तक राम 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 जपने का काम कर रहे हैं। तुरंत बदल गए। दिल्ली में 400 नौकरी नहीं थी या 1,00,000 रोजगार और 5,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिल्ली में धेला दिया है क्या तुमने? नहीं, ने दिल्ली में दिया। कांग्रेस की सरकारें कहा 5,000 कमलनाथ आ गए थे थोड़े दिन के लिए, एक कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, धेला नहीं दिया, धेला एक नया पैसा नहीं दिया। क्या राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता दे रहे, पंजाब में? अरे भारत का विभाजन राहुल किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। भारत के दो टुकड़े करने का पाप किए गए किसी के सर पर है तो केवल कांग्रेस के सर पर है, बहनों और भाइयों। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारत के प्रधानमंत्री, तब हिंदुस्तान के एक हिस्से पे कब्जा किया था चीन ने, और तब जवाहरलाल जी ने कहा था वहां तो कुछ भी नहीं होता, घास के तिनका भी पैदा नहीं होता, तो किसी नेता ने संसद में कहा था
कि तुम्हारे सिर पे भी एक बाल नहीं है, तो क्या सिर बेकार हो गया, इसको काट देना चाहिए। ये कांग्रेस का सोच बहनों और भाइयों, दो भारत तुमने बनाए, भारत का एक हिस्सा हमारे पास नहीं रहा।